हाइड्रोजन जो होता है ना, गैस जो होती है, हम उसको एक प्रोसीजर से गुजारते हैं, और उस प्रोसीजर से गुजारने के बाद जब हाइड्रोजन क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, तो वो एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। तो वो जो एनर्जी की स्टडी है वो बेसिकली हमारे पास यानी स्पेक्ट्रम की स्टडी कहलाती है। वो जो लाइन जो लाइट इमिट हो रही होती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास बुनियादी तौर पे तीन किस्म के स्पेक्ट्रम है हमारे पास, राइट। एक हमारे पास कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, एक हमारे पास कहलाता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक हमारे पास कहलाता है जिसे हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ये तीन किस्म के हमारे पास स्पेक्ट्रम है। तो इन स्पेक्ट्रम को स्टडी हम करते हैं, और इससे हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का है। तो हमने सिंपलेस्ट जो हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, उससे ये स्टडी हमने स्टार्ट की। तो रेडबर्ग साहब ने जो फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले के अंदर उन्होंने एक कॉन्स्टेंट यूज किया था जिसको हम कहते हैं रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। सिर्फ सवाल यह है कि रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू रेडबर्ग साहब ने बताई थी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उन्होंने वैल्यूएट की थी, वो वैल्यू जो थी वो उस फॉर्मूले को वैलिडेट कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि उस फॉर्मूले में वही वैल्यू पुट होनी है। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन के डिफरेंट जो रीजन है उनके अंदर उन्होंने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, लाइमन है, बामर है, पॉस्टन है, बैपिट है, फंड है, इन लोगों ने इसको स्टडी किया मुख्तलिफ रीजन को, उन सब ने एग्जैक्टली वही कॉन्स्टेंट यूज किया जो कि रेडबर्ग साहब ने यूज किया हुआ था। तो अब सवाल यह है कि सबके लिए वही एक कॉन्स्टेंट क्यों। देखिए, फिजिक्स में अगर आप कोई या साइंस के अंदर कहते हैं कोई वैल्यू बताते हैं और आप कहते हैं कि जी ये वैल्यू है, तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। हम आपसे ये पूछेंगे कि यही वैल्यू क्यों है। मिसाल अगर आप बोले कि वैल्यू है टू, तो मैं कहूंगा थ्री क्यों नहीं है, फाइव क्यों नहीं है, रीजन बताओ व्हाई टू, व्हाई ऑलवेज टू। तो आपको वो वजह बतानी है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिहाज से तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक है हमारा काम चल रहा है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है या हमें इस तरीके से चलना है, तो जवाब यही आना है भाई, और जो कुछ हो रहा है एक्सपेरिमेंटली और इक्वेशन भी एग्जैक्टली भी बता दी तो हम सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन लॉजिकली एट द लेवल ऑफ द साइंस, एट द लेवल ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, हमें हमेशा इस बात की ख्वाहिश रहती है कि जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं उसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो रेडबर्ग की जो थ्योरी है, सॉरी रेडबर्ग की कह रहा हूं, बहुत ही जो थ्योरी है ये तलाश है उस रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू की तलाश में, कि उसने जो वैल्यू रखी थी वही वैल्यू क्यों, उसके अलावा कोई वैल्यू क्यों नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। और रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का नाम आपने केमिस्ट्री में सुन रखा होगा कि आपने पढ़ा हुआ वहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, एग्जैक्टली सेम टॉपिक यहाँ पर आया है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको लेके चलूंगा। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बोहर के पोस्टुलेट्स की। तो बोहर ने तीन पोस्टुलेट्स दिए, तीन बातें उससे सपोज की। वो तीन बातें क्या थी? सबसे पहला पोस्टुलेट जो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बात है, जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके, तो अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो आप इसको रिजेंबल कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के साथ, कि इलेक्ट्रॉन भी एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो उसने कहा था कि किन ऑर्बिट्स में, किन सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगा, उन ऑर्बिट में, उन सर्कल्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? एच अपॉन टू पाई का। आपको पता है एच अपॉन टू पाई को हम क्या लिखते हैं? शॉर्ट हैंड के अंदर एच कट से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ये होगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 1h कट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर एंगुलर मोमेंटम हो 2h कट, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
अगर एंगुलर मोमेंटम हो 3h कट तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अगर आप बोले 1.75h कट तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ये क्लियर है। अच्छा, यहां से एक चीज को और भी अपने ध्यान में बिठा लो, कॉन्सेप्ट है सर्कुलर ऑर्बिट का, जो कि आगे चल के गलत साबित हुआ, लेकिन भारत जिस टाइम की ये थ्योरी है उस टाइम पे या जो ये रिजल्ट दे रही है रिमार्केबल किस्म के रिजल्ट है, और ऐसी बात है एक सीढ़ी का एक स्टेप के तौर पर है हमारे पास, जिस स्टेप पे हमने पावर रखे मेरा नेक्स्ट वो पर गए, इससे पिछली वाली जो सीढ़ी थी वो रदरफोर्ड की थी। रदरफोर्ड जो था वो हजरत जो बहुत साफ है इनके उस्ताद मोहतरम है रदरफोर्ड, जिनकी थ्योरी भी आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, और उस थ्योरी के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उसी की निशानदेही करते हुए बहुत नई थ्योरी दी। तो बहुत का जो जो कॉन्सेप्ट है अबाउट दी शेल्स अबाउट दी ऑर्बिट्स वो सर्कुलर है, जो कि बाद में चल के गलत साबित हुआ, सर्कुलर नहीं है बल्कि ये है स्फेरिकल, हमारे पास स्फेरिकल ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता, स्फीयर के अंदर पूरे स्फीयर में रिवॉल्व करता है, जिसके ऊपर आपने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्बिटल्स भी सारे पढ़ रखे हैं, क्वांटम नंबर भी आपने पढ़ रखे हैं, आपने एस ऑर्बिटल जो है उसकी शेप भी पढ़ रखी है स्फेरिकल है, फिर आपने पी ऑर्बिटल की डबल शेप पढ़ रखी है, वो सारी शेप जो है वो स्पेस में डिफाइन है, वो तमाम शेप एरिया पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बाहर एरिया पे डिफाइन है। सर्कल का मतलब होता है एरिया और थ्री डायमेंशन का मतलब होता है स्पेस, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी ये जुमले बता चुका हूं, ठीक है। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम ये होने चाहिए हमारे पास, ये उसका पहला पॉस्टुलेट था। दूसरा जो उसका पॉस्टुलेट है वो हमसे ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है इज कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट है। टोटल एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है चैप्टर 12 के अंदर हमें ये बात आपसे करते हुए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ किस्म की होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर जमीन की ग्रेविटी के लिहाज से बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस के हिसाब से बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बात समझ में आ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के लिहाज से बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो कि अप्लाई होता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, राइट। तो हम चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको जानबूझ के पीई नहीं लिख रहा ताकि कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है, लोग जब भी पीई पूछो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आगे से फौरन बोलते हैं एमजीएच। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एमजीएच नहीं होती, आपने पढ़ रखा है के क्यू अपॉन आर के बराबर होती है, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मौजूद है टोटल एनर्जी क्या रहती है, उसकी कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यूरिंग इस रेवोल्यूशन ना तो वो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना कोई एनर्जी क्या करेगा रेडिएट करेगा। ये जवाब था उस सवाल का जब हम ये देख रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि हमें जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो ये था जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसके मुताबिक जब कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो इट रेडिएट एनर्जी, इट रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो जब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मुताबिक वो रिवॉल्व कर रही है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो सर्कल कम होता जाएगा, सर्कल कम होते होते एक टाइम ये आएगा कि यानी जो उसकी जो रेवोल्यूशन है वो स्पाइरल होगी, एक वक्त क्या आएगा कि वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो हमें मिलना चाहिए था कंटिन्यूस, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें बता रहे थे कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो हमें कंटिन्यूस से नहीं मिल रहा, वो हमें डिस्क्रीट मिल रहा है, हमें नाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है। तो बोहर ने कॉन्सेप्ट को चेंज किया और जाहिर सी बात है ये जो मैंने कहा जो बोहर की जो मॉडल जो बोहर ने बताया था ये एक सीढ़ी थी, इस सीढ़ी पे कदम रखते हुए हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ भी है। क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही यानी हायर लेवल ब्रांच है हमारी फिजिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स की भी हम बातें करते हैं लेकिन जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट का वो लेवल नहीं है कि हम इसमें क्वांटम फिजिक्स की इस तरीके से बातें कर सकें।
तो बहरहाल ये वो सीढ़ी थी जिसपे स्टेप करके फिर हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया यानी स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट, अगर आप इसको नाम देना चाहें इस पॉस्टुलेट को कोई और, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो रुकी, मतलब वो इस तरह स्टेशनरी है कि ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना कोई एनर्जी रेडिएट कर रही है, ठीक है। सो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। तीसरा हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास ये है कि फर्स्ट करें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। तो अच्छा, हर शेल एक एनर्जी लेवल है जो आगे चल के हम बात भी करेंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक हायर शेल के अंदर मौजूद था, तो इस शेल की एनर्जी को मैं लिख देता हूं ई आई, ठीक है। तो ये हमारे पास है इनिशियल एनर्जी लेवल और यहां से वो एक फाइनल एनर्जी लेवल पे जंप करके चला गया यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है उसको मैं लिख रहा हूं ई एफ, एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट। तो हायर से लोअर में आ रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा जब हायर से लोअर में आएगा। तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हम ये जानते हैं कि जो डेल्टा ई है एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है कि ज्यादा में से हम माइनस करने जा रहे हैं कम को। आमतौर पर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं ई एफ माइनस ई आई क्यों नहीं लिखा, भाई फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए लिखा कि हम ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं। तो ज्यादा एनर्जी कौन सी है, वो ई आई, और कम एनर्जी कौन सी है, वो ई एफ है। तो डेल्टा ई एनर्जी के बारे में हमारा जो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ई किसे बराबर है, एच न्यू के। तो ये है मेरे पास ई आई माइनस ई एफ, और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाले तो एच को मैं वहां जाकर डिवाइड कर सकता हूं, तो न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच हो जाएगा। और मैं इसको मजीद ऐसे लिख सकता हूं ई आई माइनस ई एफ अपॉन, इस एच को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर आप देखिए तो एच अपॉन टू पाई को मैंने क्या लिखा है, एच कट लिखा है, ऐसे ही है ना, यानी मैंने एच कट क्या लिखा हुआ है, यह है एच अपॉन टू पाई। तो अगर टू पाई को आप एच कट से मल्टीप्लाई कर दें तो टू पाई एच कट किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ एच की जगह पे टू पाई एच कट भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास तीसरा पॉस्टुलेट है जो हमें कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा, जो फोटोन, फोटोन का कॉन्सेप्ट है, जो फोटोन इमिट करेगा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ये होगी हमारे पास, राइट। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, वो इसलिए चेंज है कि आगे चल के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक कहलाती है टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, एक कहलाती है स्पेशल फ्रीक्वेंसी। स्पेशल वो स्पेशल नहीं खास वाला, ये एस पी ए टी आई ए एल है, स्पेशल जिसे कहते हैं स्पेशल फ्रीक्वेंसी। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जो टाइम वेरिएंट होती है, एक होती है जो कि स्पेस वेरिएंट होती है। यहां पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है वो स्पेस वेरिएंट है, स्पेशल हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इस वजह से आगे चल के जब मैं वेव नंबर आपको बताऊंगा तो वेव नंबर में मैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस की हम बात करेंगे। हम आमतौर पर जब फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है, एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ये है ना हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हम पढ़ते आए फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन बाय द कंप्लीट नेम इसका जो है वो टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस, ये हमारे पास स्पेशल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सो मेरे पास कॉन्सेप्ट स्पेशल फ्रीक्वेंसी का, इसको मैं चेंज करूंगा आगे जाके, ये जो मैंने न्यू लिखा हुआ। हमारे पास तीन पॉस्टुलेट है, इन तीन पॉस्टुलेट की वजह की मदद से हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या किया, उसके रेडियस की इक्वेशन ड्राइव की, एनर्जी की, और फिर वेव नंबर की इक्वेशन ड्राइव की, तीनों की बात, मतलब तीन हर पॉस्टुलेट से हमने, पहले पॉस्टुलेट से हम फर्स्ट कर हमने रेडियस की निकाली है, इससे हमने एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की है, और इससे हमने वेव नंबर की जो इक्वेशन है वो ड्राइव की। एटम याद रखिएगा, जिस एटम को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम। मैं इस वैसे आपको समझाता हूं, देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मेरे पास है एक अदद प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को मैं बजाय इस तरीके से पी लिखने के, प्रोटॉन का जाहिर सी बात है मुझे उसके चार्ज से मतलब है, तो प्रोटॉन के चार्ज को मैं ई, चार्ज फॉर्म ई,
और प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे पास प्रोटॉन है, और मेरे पास जो शेल है उस शेल के अंदर मेरे पास एक अदर कौन है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये है मेरे पास हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन एटम को लेते हुए हमने सबसे पहले कैलकुलेट की जनाब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को हमने बेसिकली रिप्रेजेंट किया हमारे कोर्स में, किससे रिप्रेजेंट किया है, टी से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको खाली के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी से भी कर सकते हैं। मैं अपने सिम जो बोर्ड की जो बुक है उसका सिंबल यूज कर रहा हूँ, साथ में मैंने के ई भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कोई और बोर्ड वाला बच्चा इसको देखे। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास आई थी ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught और मल्टीप्लाई बाय 2 r। ये हमारे पास आई थी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मजीद ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ गई ई स्क्वायर अपॉन 4 to the 8 pi epsilon naught r। ये मैंने जानबूझ के एक स्टेप पहले इसलिए लिखा है कि कुछ बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है और वो हमारे पास आई थी ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught into r। ठीक है, ये मैंने अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो r मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे r मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है। तो ये जरा फर्क है जिसको याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ज्यादा है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे जनाब, तो फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को आपस में इक्वल रख के टोटल एनर्जी कैलकुलेट की। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आई इन दोनों को रखने के बाद वो हमारे पास आई माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon naught r। अब ये आप देखें ई स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon naught r तो एग्जैक्टली यही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस टी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस इनटू काइनेटिक एनर्जी, बताइए। तो याद रखिएगा जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई है वो टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अच्छे तरीके से रिजल्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो भारत पोटेंशियल एनर्जी भी याद होना चाहिए और काइनेटिक, ये दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर बात करें। तो ये हमारे पास एनर्जीज का इक्वेशंस चल रही थी और फिर हम यहां से जंप कर देते रेडियस पे। अब मैं आपको रेडियस की इक्वेशन बता देता हूं। तो जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ क्या, nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो उसकी जो हमारे पास इक्वेशन थी वो आर एन हम लोगों ने लिखी और वो हमारे पास थी 0.53 × 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन थी किस चीज की, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 0.53 × 10⁻¹⁰ है इसको इसी तरीके से याद रख लेना चाहिए हमें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो तमाम कॉन्स्टेंट मिलकर ये सब बना रहे थे उसको याद रखना, ये मेरा ख्याल है मेमोरी का एग्जाम तो हो सकता है, एप्टीट्यूड का एग्जाम नहीं हो सकता कि इसमें आपसे एमसीक्यूज के हवाले से पूछे, वो फिर मेमोरी हो जाएगी कि क्या तुम्हें याद है, तो बस फिर तुम अपने दिमाग को घुमाते रहना, आंखें इधर उधर घुमाते रहना कि याद आ जाए, अल्लाह करे। तो मेरे हिसाब से वो जरूरी नहीं है, मेरे लिहाज से एप्टीट्यूड टेस्ट के में जो जरूरी चीज है वो जो कॉन्स्टेंट का जो मिलती ये वैल्यू बता रहा था वो वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां से एक चीज आप इसको और भी कर सकते हैं, ये तो 0.53 है मेरे पास, ये चूंकि एक फिक्स वैल्यू थी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आर एन हमने लिखा, इसको हम लिखते हैं आर नॉट। ठीक है, यानी एक फिक्स रेडियस है हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय क्या है मेरे पास, एन स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं जनाबे अली, हम कहते हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब है हमारे पास कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। तो एन की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आर नॉट से। आर नॉट क्या है, ये सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूं, आर नॉट से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, 0.53 × 10⁻¹⁰ को मैं आर नॉट कह रहा हूं। ओके, अच्छा, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट का यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.53 × 10⁻¹⁰ मीटर, या 0.53 angstrom भी कहते हैं, याद है आपको 10⁻¹⁰ मीटर्स को, 10⁻¹⁰ मीटर को angstrom भी कहते हैं, या इसको बार बार ऐसे भी लिखते हैं, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे मूव कराइए तो ये देगा 0.053, तो ये पावर बजाय 10 के -9 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻¹⁹
तो माइनस नाइन का मतलब है 0.053, माइनस नाइन होता है नैनो, तो नैनोमीटर। अब आप बोलेंगे नैनोमीटर में क्यों लिखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में वेवलेंथ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यानी 95% ऑफ द टाइम हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए मैंने नैनोमीटर में लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से आर की वैल्यू एन की वैल्यू आप 2 रखें तो 2 का मल्टीप्लाई एन 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करके आर 2 आ जाएगा, जो काम का नहीं है ये याद होना चाहिए। अच्छा, यहां से एक चीज और हमारे जहन में आ रही है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूं इस इक्वेशन के अंदर तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। देखिए क्या बन जाती है, हमारे पास आर एन कुछ इस तरह बनता है कि अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा आर नॉट कॉमा, अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये होगा 4 आर नॉट कॉमा, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 आर नॉट, और अगर मैं 4 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 16 आर नॉट। ये बात समझ में आ रही है, तो ये एक सीरीज बनती जा रही है, ये सीरीज भी आपको याद रहनी चाहिए, आर नॉट 4 आर नॉट 9 आर नॉट 16 आर नॉट, मेरा ख्याल आसान सी बात है। और अगर इसमें से वो किसी की रेशियो पूछ ले, मिसाल के तौर पर वो हमसे कहे कि जनाब ये कौन सा ऑर्बिट है, 1 रखा है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, समझ में आ रही है बात की, तो अगर वो बोले कि रेशियो बताओ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट की, तो उसने कहा रेशियो बताओ थर्ड और सेकंड ऑर्बिट की, तो आर थ्री अपॉन आर टू रखूंगा, तो आर थ्री की वैल्यू में क्या रखूंगा 9 आर नॉट, और आर टू की वैल्यू में क्या रखूंगा 4 आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9/4। तो वहां पे एमसीक्यूज में आप देखिएगा आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा 9/4, तो बोलेगा बोहर के रेडियस की डेरिवेशन के मुताबिक थर्ड टू सेकंड, ठीक है थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट की जो रेशियो है वो क्या होती है, तो 9/4, तो 4 टू थर्ड की रेशियो भी आप निकाल लेंगे 16/9, राइट। और अगर बोले थर्ड टू फोर्थ, तो 3 को पहले रखना और 4 को बाद में रखना, तो 9/16 हो जाएगा, तो जिस तरह कह रहा है उस तरीके से आप हम खेल सकते हैं आराम सुकून के साथ। तो ये सारी बात है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 8 है ये कहां से आया, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ये काइनेटिक एनर्जी जब हम डेरिवेशन हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट नहीं है तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा डेरिवेशन में, तो मैंने इसके आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2r, इस तरह से लिखा था ताकि इसे कंपेयर करके बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, तो फिर ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है, ये मेरे पास काइनेटिक है और ये पोटेंशियल है, टोटल एनर्जी आप कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस, प्लस है ना, प्लस हमारे पास यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये काइनेटिक ये पोटेंशियल दोनों को प्लस करना है, लेकिन पोटेंशियल चूंकि नेगेटिव है तो प्लस की जगह क्या लिख दो माइनस, ठीक है, तो एलसीएम यहां पर कितना आ जाएगा मुझे बताओ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है, ये एलसीएम आ गया तो ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये तो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस, यहां पर पाई से पाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आर से आर कैंसिल, तो 4 टू द 8 तो 2 हमारे पास e स्क्वायर आ गया, तो अब मुझे बताओ e स्क्वायर माइनस 2 e स्क्वायर, तो माइनस e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है टोटल एनर्जी जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा, अगर यही सवाल था तो आप मुझे बता दीजिए यस, और अगर ये सवाल है कि ये कहां से आया तो दिस इज द डेरिवेशन जो कि मैं अलग से आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको तस्वीर कैंच के सेंड कर दूंगा, इंटरमीडिएट में करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में डोंट मिस होता है। अच्छा, उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कि nth ऑर्बिट की हमारे पास एनर्जी क्या होगी, तो उसको हम लिखते हैं बेसिकली ई एन से लिखते हैं, और वो है हमारे पास माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और यूनिट क्या कीजिएगा EV, ये जो मैंने EV लिखा है ये मैंने कोई सिंबल मतलब मैंने कुछ इस इक्वेशन में कुछ नहीं लिखे हुए, यानी इस इक्वेशन में भी E आता है याद रखिएगा,
जब आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे वो सारे ई भी सब सॉल्व हो गए। ये ई और बी यूनिट का नाम है, यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज यूनिट। तो हमारे पास जो एनर्जीज है वो एनर्जीज का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम जूल्स में मेजरमेंट नहीं कर रहे। अच्छा अब इसमें एक चीज और वो है ये नेगेटिव। तो इस माइनस साइन का मतलब क्या है, इस माइनस साइन का मतलब ये है कि जो स्टेट है मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट का हिस्सा है, यानी इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है। अब मैं आपसे एक जुमला इस्तेमाल करूं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर रहा है, मूव कर रहा है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो ऑर्बिट में घूम रहा हो या फिर आजाद कहीं घूम रहा हो। तो कैसे घूम रहा है भाई, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है या आजाद घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है या बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और जो स्टेट है वो हमारे स्टेट्स कहलाते हैं बाउंड स्टेट्स। ठीक है, नेगेटिव साइन दोबारा सुन लो, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेट का, उस एटम का हिस्सा है, उस शेल का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब तक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि वो किसका हिस्सा है, वो उस शेल का हिस्सा है। कौन से शेल का, या एन की वैल्यू रखो उससे आपको शेल का नंबर मालूम हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, बाउंड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है। बाउंड स्टेट का मतलब है कि जो एनर्जी है हमारे पास इज नेगेटिव, एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा रहेगा। अच्छा अब यहां देखिए, अगर आप एन की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें, मिसाल के तौर पे फॉर एन इज इक्वल टू वन, अगर आप पुट करें, अगर हम एन की वैल्यू वन यहां पर पुट करते हैं फर्स्ट शेल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ई वन मेरे पास कितना आ जाएगा, -13.6/1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर मैं कहता हूं फॉर एन इज इक्वल टू टू, तो ई टू मेरे पास हो जाएगा -13.6, और टू का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास होता है 4, तो 13.6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -3.3 मेरा ख्याल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा E3 जो कि होगा -13.6/3, अब 3 का स्क्वायर करें तो कितना होता है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये वैल्यू आ रही है 3.24 आ रही है, दिस इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वैल्यूज याद करें, मैंने एक बात समझानी है आपको, मुझे बात समझानी है वो देखिएगा क्या है। वो बात कुछ ये है कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो ये मेरे पास अगर N1 है, N1 यानी N इज इक्वल टू 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो N इज इक्वल टू 1 ये सारा यानी यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है ये मेरे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब मैं लिखता हूं किस किसकी वैल्यू लिखता हूं, एन इज इक्वल टू 2 की लिखता हूं, तो ये जो लेवल है मेरे पास आ रहा है कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो मैं अगला लिखता हूं तो वो है मेरे पास कितना है, एन इज इक्वल टू 3 में ये आता है -1.51। तो आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि ये जो गैप है, ये जो गैप है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये मेरी बात समझ आ रही है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो उससे कम है, उसके बाद दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो उससे कम है, ये मेरी बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि -13.6 सबसे कम एनर्जी है, ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि माइनस में आंसर जितना छोटा होना शुरू होता है उतनी ही वैल्यू ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की जानेब जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, बट द गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल रिड्यूस हो रहा है। ये बात अच्छी तरह समझो, किसी भी दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो जो गैप ऑफ द एनर्जी है, जो एनर्जी का फर्क है, वो फर्क क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं।
तो ये जो पहले गैप जा रहा था ये गैप क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मैं तस्वीर से शेयर कर लेता हूं आपसे। देखो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये तस्वीर आप देख रहे हो ठीक है, आप ये देखेंगे कि ये जो गैप है n = 1 से n = 2 तक, इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस देखिए, फिर n2 और n3 जो है इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस देखिए, तो पहले एनर्जी का डिफरेंस यहां ज्यादा है और उसके बाद यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारे पास कम है, उसके बाद यहां पर देखें तो यहां एनर्जी का डिफरेंस और कम होता जा रहा है। आप देख रहे हैं तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ये वाला जो डिफरेंस है मेरे पास, ये डिफरेंस, उसके बाद अगर आप इस डिफरेंस को देखें तो ये कितना कम हो चुका है, उसके बाद अगले ऑर्बिट में देखें तो ये और कम होता जा रहा है, उससे अगले दो के दरमियान डिफरेंस और कम है, उससे अगले दो के दरमियान डिफरेंस और कम है, और ये कम से कम होता जा रहा है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो डिफरेंस है ये सारे के सारे कम होते चले जा रहे हैं हमारे पास। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो जो वैल्यू है जो चेंज हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। आप लोग ये देख सकते हैं, मेरा ख्याल है ये अभी आपको नजर आ रही होगी ये तस्वीर। इस तस्वीर के अंदर आप देखिए तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए 1, 2, 3 ये गैप कम होते होते ये नंबर 2, 3 करते करते जब हम इंफिनिटी पे गए तो ये गैप तकरीबन खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं यहां पर जाकर ये गैप क्या हो गया, तकरीबन खत्म हो गया हमारे पास। ये याद रखिएगा, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब यहां पर यानी इंफिनिटी पर हमारे पास एनर्जी कितनी होगी इसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए ये तस्वीर जरा अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर मैं इंफिनिटी रख लेता हूं इसको, जिस तरह अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, तो फॉर n = infinity, अब बताओ डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आया, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आया तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट en पे जो हमारी एनर्जी वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। और जैसे ही एनर्जी जीरो हुई तो इसके बाद n इंफिनिटी से आगे का मतलब ये है आगे भी होगा लेकिन वो शेल नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री। तो यहां पे जाके जब एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास है अनबाउंड स्टेट है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो इसके आगे भी क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे पीछे सारे क्या है, नेगेटिव। तो इन नेगेटिव्स का मतलब यह है कि हमारा बाउंड स्टेट है और इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है, उस स्टेट का हिस्सा है, उस शेल का हिस्सा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चूंकि सबसे कम एनर्जी हमारे पास कौन सी है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा आसानी से कौन से शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा सबसे पहले शेल में से, पहले शेल में से। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं ना तो आपके केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है ना वो टकरा जाते हैं और आप ना बड़े बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो हमेशा ये पढ़ रखा है कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आएगा या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सबसे आखिरी शेल होगा जनाब, जिसे हम बैलेंस शेल कहते हैं। तो ये बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ये आपने कैसे कह दिया कि सबसे पहले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इस तरह मैंने कह दिया कि सबसे पहले शेल की एनर्जी सबसे कम है, बी केयरफुल, ये अच्छे तरीके से याद रखिए। वो जो सबसे आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन आता है जाता है भाई, वो बॉन्डिंग के लिए पढ़ते हो, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। वो कोई किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना बगैर बॉन्डिंग के, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए नहीं पढ़ रहे आप लोग, अपने कॉन्सेप्ट को इन दो जगह पे मेंटेन कीजिएगा। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से निकाला जा सकता है, पहले शेल से, उसके बाद कौन से शेल से निकाला जा सकता है, यानी सबसे आसानी से तो पहले शेल, उसके बाद दूसरे शेल, उसके बाद तीसरे शेल से। तो जो सबसे आखिरी शेल होगा ना किसी भी, अगर किसी एटम में फोर्थ तरह से चार शेल है तो पहले शेल से सबसे आसानी से निकलेगा, उससे मुश्किल से दूसरे से, उससे मुश्किल से तीसरे से, सबसे मुश्किल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो चौथे शेल से निकलेगा, अगर चार शेल की मिसाल में ले लूं तो। ये बात समझ आ रही, ये बात बोलना अगर चार शेल है तो चौथे शेल में सबसे आसानी से निकलेगा, नो, रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो आप, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ गई है तो यही वो बात है जो कि वजह बनती है कौन सी एक्सरे की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे की दो टाइप है अभी हम पढ़ लेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो एक्सरे कौन से शेल में से निकल रही होती है, इनर शेल्स में से निकल रही होती है जनाब अली, ओके। तो इनर शेल को इनकम्प्लीट करना ज्यादा आसान, यहां तक मेरा ख्याल ये बातें समझ में आ गई होंगी और ये गैप्स की बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। असल में ये चीजें ना जरा आपको थोड़ी सी इनडेप्थ समझनी है ताकि बाद में मेडिकल एस्पेक्ट से इलाज से बात करें तो डॉक्टर्स को एक्सरे की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए,
और वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो बड़े परेशान करते हैं डॉक्टर्स को। और आप देखो मैंने मेडिकल फिजिक्स के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने कोई 5-6 लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए, एक सीरीज मैंने शुरू करने का मेरा इरादा था दरम्यान में रुक गया। तो मेडिकल फिजिक्स की जो है उसमें ये एक्सरेज की जो नॉलेज है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर अच्छी खासी बात की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के रखिएगा कि बॉन्डिंग के लिए आउटर शेल है लेकिन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से आउट होता है। ओके, यानी शेल्स को आप कैसे पढ़ते हैं, के एल एम एन, आप ऐसे बात कर लेते हैं। तो सबसे आसानी से कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, के शेल से, उससे मुश्किल से एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, बाद क्यू तक है हमारे पास, के से शुरू होते हैं के से क्यू तक। तो के हमारे पास क्या है, किंग, और क्यू क्या है, क्वीन। तो ये 1 से लेकर 7 तक हमारे पास है। तो जो चीज मुझसे रह गई थी वो बेसिकली ये थी कि जिस तरीके से मैंने रेडियस में किया था उसी तरीके से मैं एनर्जी में कर रहा हूं। एनर्जी की इक्वेशन हमने क्या बना दी थी, हमने एनर्जी की इक्वेशन हम ये बनाने में कामयाब हो गए कि ये माइनस हमारे पास ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और ये ई नॉट क्यों है कि हम जानते हैं कि ई किसके बराबर है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो E is equal to minus 13.6 upon n square है, ये 13.6 से हम E naught से represent कर देते हैं। तो अब हमारे पास वही हो गया कि अगर मैं n की value 1 रखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो energies मेरे पास आ रही है n state की वो कुछ ऐसे आ रही है कि पहली energy आ रही है E naught। अगर मैं 1 रखता हूँ तो minus को छोड़ दीजिएगा, minus का मतलब मैं बता चुका हूँ कि ये bound state के लिए। तो 1 रखेंगे E naught हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E naught upon 4। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E naught upon 9। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E naught upon 16, and so on so forth, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, जिस तरह सीरीज फॉलो कर रहा था कौन, रेडियस की नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड। इसी तरीके से अगर किसी भी मिसाल के तौर पर वो कहता है कि E3 और E2 की रेशियो, तो मेरा ख्याल है आप ये रेशियो मालूम करना कोई मसला नहीं है। E3 का मतलब है E naught upon 9 divided by E2 का मतलब है E naught upon 4। तो E naught से E naught cancel, तो ये होगा 4 upon 9। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो this become 4 upon 9। ये रेशियो आ गया हमारे पास किसके दरमियान, आ गया रेशियो थर्ड टू सेकंड एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो ये भी एक बात है, बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से रेडियस में हमने किया था, ठीक है। मतलब रेशियो निकालना सीखा था एग्जैक्टली, ये वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई हो गए थे हमारे पास। तो ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये आपने एनर्जी की बात करी, अब हम आपसे बात करेंगे वेव नंबर की। तो वेव नंबर हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर इसको हम फ्रीक्वेंसी का सिंबल और उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं बार की, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, राइट, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है हमारे पास। और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आती है जो रेडबर्ग ने आर इंफिनिटी और 1 अपॉन nf² - 1 अपॉन ni² ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो r इंफिनिटी है बेसिकली इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.0970 × 7 m² ये है। और जो रेडबर्ग साहब ने कैलकुलेट की थी उसको r से रिप्रेजेंट किया था 1.0968 एक्सपोनेंट 7 m². की। तो ये वो बात थी जो मैं आपसे शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि जो बॉस साहब थे उन्होंने बताया कि जनाब किसी भी फॉर्मूले में आप जो ये वैल्यू रख रहे हैं इस वैल्यू की वजह क्या है, इस वैल्यू की वजह क्या है, इस वैल्यू की वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h करके। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में होता है ना एनर्जी देता है ना एनर्जी देता है, उसकी टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। इसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करता है तो वो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर का फोटॉन क्या करता है, इमिट करता है। सो दीज आर द रीजन फॉर दिस वैल्यू। अब समझ में आई ये बात, जो रेडबर्ग ने कहा था मुझे नहीं मालूम, एक्सपेरिमेंट करा यही रिजल्ट आएगा। लैमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सबने एक्सपेरिमेंट किया, सबने भूल वैल्यू यूज की और सबके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे थे, बट व्हाट दैट वैल्यू नो वन हैड दैट आंसर। बहुत बहुत जी आंसर ठीक है, वो तीन पॉसिबल। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, पहले मैं ये वेव नंबर के ऊपर बात कर लूं। ये जो हमारे पास वेव नंबर है इसको ये जो वेव नंबर है ये वेव नंबर पास बात कराता है नंबर ऑफ वेव्स कह लो या साइकिल्स कह लो
क्या है, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस है। और इस चीज को हम इस वेव नंबर को कहते हैं स्पेशल फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपसे कह रहा था, दिस इज नॉन एज स्पेशल फ्रीक्वेंसी, राइट, या वेव नंबर। तो वेव नंबर, स्पेशल फ्रीक्वेंसी, रिपिटेंसी भी कहते हैं, बाजू का जिसके लिए कोड इस्तेमाल होता है रिपिटेंसी, प्लस भी इसमें इस्तेमाल होता है। और हम जो फ्रीक्वेंसी पढ़ के आए होते हैं वो मैं अलग से आपको बता दूं, वो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, ये हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास पर यूनिट टाइम होता है, जिसे हम किसमें लेते हैं, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज में, ओके। अच्छा, तो इसका हमारे पास जो जो यूनिट है हमारे पास वो क्या बन रहा है, मीटर इनवर्स बन रहा है, जो मीटर इनवर्स, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब इसमें एनआई और एनएफ क्या है, हमारे पास एनएफ वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके पहुंच जाएगा फाइनल स्टेट, एनएफ इज द फाइनल स्टेट, एनआई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। एनएफ की बुनियाद पर हमने डिफरेंट सीरीज डिफाइन किए, मतलब अगर हमारे पास है एनएफ क्या है, मेरे पास वन है, तो इसे हम कौन सी सीरीज कहते हैं, लाइमन, दिस इज लाइमन सीरीज। अगर मेरे पास एनएफ कितना है, टू है, तो इसे हम कौन सी सीरीज कहते हैं, इसे हम कहते हैं बामर सीरीज। अगर मेरे पास एनएफ कितना है, थ्री, तो आप इसे क्या बोलते हैं, पॉस्टन सीरीज। तो लाइमन बामर पॉस्टन, एनएफ हमारे पास क्या है, फोर है, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है। और अगर एनएफ हमारे पास फाइव है तो हमारे पास फन सीरीज है। इसके बाद सिक्स सेवन भी है, हमारे पास सिक्स भी है, सिक्स का भी एक नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर है, मेरा ख्याल है शायद हैमर्स करते हुए शायद उसका नाम है, कर्टिस ली करके था, मुझे याद दिया गया, एन इज इक्वल टू सिक्स भी सीरीज है हमारे पास, हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है। तो ये तमाम सीरीज जो है लाइमन बामर, इसके नाम जगह नहीं, मैं बताता हूँ, पैस्टन ब्रैकेट एंड फंड, पी फंड आप लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नेम जो है वो पी को साइलेंट होता है, फंड उसका नाम है, राइट। अच्छा, अब इसमें एनएफ वन है तो आप कहां से सकता है, आप कहां से सकता है, दूसरे शहर से जंप करके वन में आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, और ये चलता चले जाता है। अगर दो में आके रुकेगा तो आप कहां से सकता है, तीन से, चार से, पांच से, सौ। अगर तीसरे में आके रुक रहा है जो पांचवी सीरीज बन रही है तो आप कहां से सकता है, चौथे से, पांचवे से, छठे से, सो एंड सो फोर्थ। अगर चौथे में आके रुक रहा है और ब्रैकेट सीरीज बन रही है तो आप कहां से सकता है, फाइव सिक्स सेवन डॉट डॉट डॉट, बात समझ आ रही है। अगर फिफ्थ में आके रुक रहा है, फन सीरीज बन रही है, तो आप कहां से सकता है, सिक्स सेवन एट डॉट डॉट डॉट, तीसरा चलते आ रहा है, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं सर, ओके। तो ये हमारे पास है। अब हर सीरीज कुछ इस तरीके से है कि मैंने आपको एक चीज और भी याद कराई थी, उसी का रट्टा यहां पे भी लगा लेते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो लाइट हम देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल। विजिबल के ऊपर हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट, और विजिबल में सबसे ऊपर क्या होती है, वायलेट, तो वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट, विजिबल में सबसे नीचे क्या होती है, रेड, रेड से नीचे क्या होती है, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड से नीचे आप कह रहे हो फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, इससे नीचे फिर हमारे पास क्या होती है, माइक्रोवेव होती है, राइट, वो मैंने सारी चीज आपको बताई थी। तो लाइमन सीरीज किसके लिए है, अल्ट्रा वायलेट के लिए, ये लाइमन सीरीज जो है ये किसके लिए हमारे पास, ये मेरे पास है अल्ट्रा वायलेट की, अल्ट्रा वायलेट के लिए लाइमन। उसके बाद विजिबल के लिए कौन है मेरे पास, पामर सीरीज, फिर विजिबल से नीचे आ जाओ इंफ्रारेड के लिए मेरे पास कौन है, पैस्टन सीरीज, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ फॉर इंफ्रारेड के लिए आ जाओ, वो कौन है, ब्रैकेट है मेरे पास, ब्रैकेट सीरीज, और इसी इंफ्रारेड सीरीज के अंदर हमारे पास पैस्टन है। तो ये जो तीन है, आखिरी तीन, ये हमारे पास है इंफ्रारेड के लिए, ठीक है। तो इंफ्रारेड, फॉर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो n इज इक्वल टू वन, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके वन में रुक जाए तो वो हमेशा जो लाइट इमिट करेगा वो अल्ट्रावायलेट की होगी। इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से आकर टू में रुक गया तो वो हमेशा विजिबल में लाइट इमिट करेगा, अगर वो कहीं से भी आता हुआ थ्री में रुक गया तो वो इंफ्रारेड में इमिट करेगा, फोर में आकर रुक गया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कहीं से भी आया फोर में आकर रुक गया तो वो फार इंफ्रारेड इमिट करेगा, सेम स्टोरी बहुत बहुत ही पैस्टन से, राइट। तो ये सारी स्टोरी थी हमारे पास, और मेरा ख्याल है अगर इसके ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक हो सकता है
तो अगर ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक बनता है, क्योंकि ये वैल्यू के साथ इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने देखा तो नहीं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन अगर बनता है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक शॉर्ट सी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सेकंड ईयर के बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसके न्यूमेरिकल को क्विकली समझ सकते हो, कर सकते हो। तो वही चीज मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा अगर मैंने देखा इसके न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ी, और ये नॉलेज काफी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बाहर की थ्योरी को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। अब मैं जिस टॉपिक की तरफ मूव करने वाला हूँ वो मेरे पास है एक्सरेज। एक्सरेज के ऊपर हमने पहले भी एक बार आपको बताया था, जब मैं चैप्टर नंबर 16 में आपको बता रहा था कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव का कॉन्सेप्ट था वहां पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने के एक रीजन का नाम हमने दिया था, क्या नाम दिया था, एक्सरेज। क्या था? विजिबल लाइट जो हम देख सकते हो, हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम देखते हैं या एनर्जी जो हम देखते हैं वो हमें वायलेट नजर आती है। वायलेट से कौन सा हमारे पास? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी क्या होती है? एक्सरेज होती है। तो एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हमारे पास, वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है, वो तमाम एक्सरेज, वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सरेज कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस वेवलेंथ, इस एनर्जी के रीजन में आपको नजर आएगी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? वो एक्सरे कहलाएगी। ओके, एक्सरे की हमारे पास कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है हमारे पास। पहली को हम कहते हैं ब्रेम्स स्ट्रॉलन एक्सरे, जिसको हम कंटिन्यूस एक्सरे भी कहते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज। अच्छा, ब्रेमस्ट्रॉलन ये जर्मन जबान का वर्ड है और इसका मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन, रेडिएशन पर टूट जाना। ओके, अच्छा, इसमें होता ये है कि ये कुछ इस तरीके से फर्ज करें, हमारे पास एक मेटल की प्लेट है और एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आगे से टकराता है। जब उसे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा, डिसेलरेट होगा। तो जब रुकेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो जो एनर्जी थी वो कहां गई? वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेज उसमें से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये क्या बोलते हैं इसको? एक्स रेज कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज टोटली इनवर्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए आपको याद है जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ाया तो ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? इनवर्स ऑफ द एक्स रेज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज में जो ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज है या कंटिन्यूस एक्सरेज है, ये दोनों दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। उसमें क्या होता था? एक रे आगे टकरा दी थी, इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे टकरा रहा है और रेज निकल रही है, बिल्कुल इनवर्स है। ओके, सो ये हमारे पास कहलाता है ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरे। ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेज के अंदर याद रखिएगा, जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्सरेज, जो एक्सरेज की एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। बड़ी अच्छी तरह रखिएगा, जिन वोल्टेजेस से मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके जाके कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा हाथ जो मार्कर को फेंक रहा है, ये मेरा हाथ एक वोल्टेजेस है जो एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो अगर मैं कम वोल्टेजेस दे रहा हूं तो कम एनर्जी मिलेगी, दीवार से टकराएगा या दरवाजे टकराएगा तो आवाज छोटी आएगी। अगर मैं ज्यादा वोल्टेजेस दूं, मतलब ज्यादा जोर से फेंकूं इस चार्ज पार्टिकल को, तो दरवाजा टकराएगा तो आवाज ज्यादा आएगी, ज्यादा एनर्जी देगा। तो डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस, अप्लाइड वोल्टेजेस, और अप्लाइड वोल्टेजेस अच्छे खासे ज्यादा होते हैं। मैं अभी वो एक्सेलरेटिंग की पूरी थ्योरी समझाने नहीं बैठा हुआ। एक वोल्टेजेस होते हैं कोई 5 से 10 वोल्ट होते हैं, कम वोल्टेजेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने E/M रेशियो में भी किया था, जिसको हमने कहा था फिलामेंट। तो फिलामेंट के वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं, जिस तरह वहां पर हमने डिस्क लगा के इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया था, याद है, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाया था। तो वो जो डिस्क लगा के फिर हम उसको एक्सेलरेट कराते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट में होते हैं। आपको मैंने जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था, सो मैंने आपसे कहा था कि हॉस्पिटल में रखी हुई एक्सरे मशीन 40,000 वोल्ट से ऑपरेट होती है, तो वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो आप नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने हाई वोल्टेजेस हम अप्लाई करते हैं, राइट? अच्छा, फिर ये जो इसकी जो एनर्जी निकल रही है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल मतलब किस तरह के टकराया, जिससे टकराया, बड़ी हैवी किस्म की मेटल होती है आमतौर पर,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है मेटल मेल्ट हो जाएगी, तो उस मेल्टिंग से बचाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और जो मेटल होती है बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल हम टंगस्टन यूज करते हैं, तो टंगस्टन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर को बेयर कर जाते हैं। तो याद रखिएगा ये इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टारगेट मटेरियल, सही है, टारगेट मटेरियल से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो याद है मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी कि ये जो हम ये जो जिन वोल्टेजेस से हम इसको लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर इसकी एनर्जी डिपेंड करती है। अच्छा, एनर्जी के साथ आप और चीजों पे रिलेट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो आप मैंने लिखा है कि एनर्जी डिपेंड कर रही है एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस पे, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की आपको एक्सरे चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी है किस पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस पे। मैं लिखता हूं एनर्जी के ऊपर के मैक्स स्लैश मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एनर्जी की जगह पर क्या आ गया, मिनिमम या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट कौन, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी किससे इंडिपेंडेंट है, टारगेट मटीरियल से। तो टारगेट मटीरियल किसका बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता। इसको एक और कॉन्सेप्ट से भी समझाने की कोशिश की जाती है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपके टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम कर रहा है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज आपको मिल रही है। इसको वैसे समझाते हैं, हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल है और वो क्या हो रहा है, डीसेलरेट हो रहा है। अब डीसेलरेट हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज को आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव लिखते हैं, और इसकी एनर्जी को आप लिख दीजिए ई नॉट, ठीक है। जब ये यहां से यहां आया इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कम होगी, क्या होगी, ई। तो ये ई एनर्जी कम है किससे, ई नॉट से। तो वो जो एनर्जी कम हुई है वो कहां गई, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज हमें मिल गई, जिस ई को हम कहते हैं एच न्यू, और जो चार्ज पार्टिकल मूव करके जा रहा है उसको हम जेड ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई चार्ज कितने चार्ज है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, और मल्टीप्लाई बाय ई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन भी लिखी जा सकती है बड़ी आसानी से, ऐसे लिखी जा सकती है कि आप ऐसे लिखें कि हमारे पास एटम है और प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहा है फास्ट, उसके बाद क्या हुआ, वही एटम है हमारे पास और हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, स्लो, और प्लस जब स्लो हुआ तो एनर्जी उसने क्या कर दी, इमिट कर दी। तो मेरा ख्याल ये सिंपल सिंपल सी इक्वेशन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लो हुआ तो वो एनर्जी कहां गई, वो एनर्जी में मिल गई। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने दोबारा से लिख दिया, इलेक्ट्रॉन है, पहले एनर्जी ई नॉट थी, फिर एनर्जी ई होगी, ई जो है वो ई नॉट से कम है, एनर्जी कम हुई तो कहां आ गई भाई एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे हमें मिलना शुरू हो गई। तो क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया, हालांकि मैं कह रहा हूं एक्सरे वेव्स वेव्स का कॉन्सेप्ट है, बट डिफाइन कर रहा हूं फोटोन पार्टिकल से, बी केयरफुल, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वांटम फिजिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे पास इस किस्म के फिनोमेनास को समझने के लिए, राइट। तो हमारा ये तमाम चीज थी, ये हमारे पास कहलाती है ब्रांच स्क्रॉलिंग एक्सरे। नाउ वी मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ द एक्सरे व्हिच इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, डिस्क्रीट एक्सरे, उसको हमने क्या नाम दिया था, ब्रांच स्क्रॉलिंग को कंटिन्यूअस का, ठीक है। और वो जो ब्रांच स्क्रॉलिंग था, ब्रांच स्क्रॉलिंग रिवर्स प्रोसेस था किसका, एक्सरे का, ब्रांच स्क्रॉलिंग याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को एक और हम एक्सरे का नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेडिएशन या सेकेंडरी एक्सरे भी कहते हैं। तो वो बेताशर्स के नाम हो गए हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ये हमारे पास फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, मेडिकल फिजिक्स के अंदर ये सेकेंडरी एक्सरे भी हमारे पास कहलाता है, इसके अलावा उसको डिस्क्रीट एक्सरे भी हम कहते हैं। ये होती क्या है बेसिकली, इसको आप जरा समझ लीजिए, देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसे हम क्या बोलते हैं, केशल, उसके बाद जो अगला शेल है उसे हम क्या बोलते हैं, एल, उससे अगले शेल को हम क्या बोलते हैं, एम, उससे अगले शेल को हम क्या बोलते हैं, एन, इस तरीके से ये हमने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, ठीक है। तो के एल एम एन मुख्तलिफ नाम है शेल्स। अब हुआ ये कि किसी वजह से जो के शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो जगह हमारे पास क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, ये खाली हो गई,
अब किस वजह से निकल गया, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान काम है हमारे लिए, राइट। तो कोई भी रेडिएशन बाहर से आएगी, उस रेडिएशन ने के शेल को एनर्जी दी तो के शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब के शेल जो है वो एम्प्टी हो गया, और हम ये बात जानते हैं कि इनर शेल एम्प्टी नहीं हो सकता किसी एटम का, ये बात हमें पता है ना। सबसे पहले आपने जो केमिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ा है एटम का, जो मुख्तलिफ क्वांटम नंबर आपको पढ़ाए हैं और मुख्तलिफ रूल्स आपको समझाए, उन रूल में आपको ये समझाया गया है कि सबसे पहले इनर शेल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके बाद के शेल में होंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके बाद के शेल में होंगे। तो इनर शेल इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, लेकिन किसी वजह से ये इनर शेल इनकम्प्लीट हो गया तो ये एटम क्या बोलेगा, इस इनर शेल को कंप्लीट करो। अब वो ये रहा है कि के शेल को कंप्लीट करने के लिए अगर एल में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां पर आता है तो एल की एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो ज्यादा में से कम की तरफ आ रहा है तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को ये क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा इसका नाम अब हम क्या रखेंगे, ये जरा गौर से देखेंगे, आया कौन से शेल में, इलेक्ट्रॉन आया कौन से शेल में, के शेल में, तो इसका नाम है के, और चुके के बाद एक शेल ऊपर से आया जिसका नाम है के अल्फा। हो सकता है कि एल शेल से पहले जो एम शेल है हमारे पास, एम शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के इधर आ जाता है इसको फिल करने के लिए, हो सकता है, सही ना। एल से पहले एम में से इलेक्ट्रॉन आ जाता तो हायर में से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अब ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा इसका नाम कैसे रखेंगे, आया कौन से शेल में, के में, क्योंकि एक छोड़कर दूसरे से आया तो इसका नाम है बीटा, अगर पहले से आएगा तो अल्फा, दूसरे से आएगा तो बीटा। हो सकता है एम से पहले एन में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां आता इसको फिल करने के लिए, ये मेरी बात समझ रहे हो, यहां आगे इसको फिल करने के लिए। तो चूंकि हायर में से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इस एनर्जी का नाम कौन क्या रखेंगे, कौन से शेल में आ रहा है, के में आ रहा है, क्योंकि तीन ऊपर से आ रहा है तो के गैमा, के अल्फा के बीटा के गैमा, के अल्फा के बीटा के गैमा, ये तीन मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास हमें फोटॉन्स मिलेंगे, हमें रेडिएशन मिलेंगी, हमें एनर्जी मिलेंगी, ओके। अच्छा, अब हो सकता है किसी वजह से, ये तो के की मैंने खारिज मार दी, एल शेल जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, एल शेल। अब एल शेल को कंप्लीट करने के लिए के से तो यहां पर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि K की एनर्जी कम है, L की ज्यादा है, तो उसको एनर्जी चाहिए यहां से आने की, और वैसे भी इनर शेल कंप्लीट रहेगा तो K से यहां पर नहीं आ सकता। L शेल को कंप्लीट करने के लिए M में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां पर आया तो ये हायर में से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसका नाम कैसे रखेंगे, कौन से शेल में आ रहा है, L में, और चूंकि एक ऊपर से आ रहा है तो एल अल्फा, मेरा गलत समझ आ गई होगी। अगर एल शेल को कंप्लीट करने के लिए एम से पहले एम में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां पर इसको फिल करने के लिए आ जाता है तो हायर में से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इसका नाम कैसे रखेंगे, कौन से शेल में आ रहा है, एल, और जो दो ऊपर से आता है तो एल बीटा करो तो इसका नाम। इसी तरीके से अगर किसी वजह से एम शेल इनकम्प्लीट हो गया और उसको फिल करने के लिए एम को फिल करने के लिए एम में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां आता है तो हायर में से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ये जो एनर्जी है आप कौन से शेल में रहा है, एम में, और चूंकि एक ऊपर से आ रहा है उसका नाम है एम अल्फा। इसी तरीके से हमारे पास हो गया एल अल्फा, एल बीटा, एम हमारे पास अल्फा, ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। क्यों, क्योंकि ये इमिट होने वाली जो एनर्जीज हैं इनकी वेवलेंथ 0.1 से 1 नैनोमीटर के रेंज में होती है। इन तमाम इमिट होने वाली जो एनर्जी है या रेडिएशन है इनकी जो वेवलेंथ है, जो एनर्जीज है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, राइट। तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अच्छा, ये लफ्ज कैरेक्टरिस्टिक क्यों इस्तेमाल हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट कर लो, अगर ये एटम है हमारे पास, ये एटम है मेरे पास किसका है, सोडियम का एटम है, सपोज वैसे तो उसमें तीन शेल है लेकिन फर्स्ट कर लो मैंने इस तरीके से बात, अगर ये सोडियम का मेरे पास एटम है तो सोडियम की के अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अब फिक्स है। सोडियम का के अल्फा यानी सोडियम का अगर के शेल कंप्लीट हो जाए और एल में से इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने के लिए आता है एल में से तो क्या कहलाएगा, के अल्फा कहलाएगा। के अल्फा की वैल्यू सोडियम की फिक्स है। अब वो सोडियम मेरी बॉडी में हो, सोडियम किसी मिनरल के अंदर हो, सोडियम किसी और चीज के अंदर मौजूद हो, जिस भी चीज के अंदर सोडियम मौजूद होगा
सोडियम की के अल्फा की वैल्यू हमेशा यही होगी। तो हम अगर हमें किसी वजह किसी तरीके से हम सोडियम की के अल्फा की वैल्यू मालूम कर लें और वो के अल्फा की वैल्यू किसी और एटम की के अल्फा की वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो वो के अल्फा इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सोडियम। तो इसलिए इसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये हर एटम की फिक्स है और दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हम लोग फिजिक्स के अंदर जब किसी एलिमेंट की डिटेक्शन करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के जरिए भी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हमें ये बताती है कि बेसिकली एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज तमाम एलिमेंट के तमाम मुख्तलिफ शेल्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ओके, तो इससे हम मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर टू बात याद रखिएगा, फर्ज करें एक पेशेंट है, उस पेशेंट को हमने एक्सरेज दी। जब हम उसको एक्सरेज देते हैं तो चूंकि हम जो एनर्जी जीरो होते हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, उनके चांसेस होते हैं कि वो हमारी बॉडी में जो के शेल के इलेक्ट्रॉन है मुख्तलिफ है ना, हमारे पास सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी, हर एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो हमारी बॉडी के शेल के इलेक्ट्रॉन जो के जिनके ज्यादा चांसेस होते हैं निकलने के, उनको वो जो बाहर से आने वाली रेडिएशन है जो एक्सरेज है वो टकराती है हमारी बॉडी से और के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, के शेल इनकम्प्लीट होता है तो उसको फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर दोबारा से रेडिएशन इमिट होती है। तो एक एक्सरे तो वो हो गई जो कि बाहर से हमारी बॉडी को मिली और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे इनर शेल इनकम्प्लीट हुए। थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी में से दोबारा रेडिएशन निकलना शुरू हो गया, उसकी वजह से समझ में आने क्या है, क्योंकि बाहर की रेडिएशन बाहर का एक्सरे हमारा हो गया लेकिन उस वजह से जो इनर शेल कुछ एटम के इनकम्प्लीट हो गए उस वजह से जब हायर से लोअर में दोबारा रेडिएशन बॉडी से निकलती है। इसलिए मैंने कहते हैं सेकेंडरी एक्सरे, राइट। और ये डिस्क्रीट कलर्स क्यों इस्तेमाल हुआ, डिस्क्रीट कलर्स इसलिए इस्तेमाल हुआ कि फिक्स वैल्यूज है हमारे पास, वैरिंग वैल्यूज है। जिस तरह करेगा जिस तरह हमारे पास ब्रैंड स्ट्रॉलिंग एक्सरे में था उसमें वैरिंग थी, याद है मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड कम कर रहा है, तो स्पीड कम कर रहा है कि जितनी स्पीड कम कर रहा है जितनी एनर्जी कम कर रहा है वही फोटोन की फॉर्म में रिलीज कर रहा है। तो अगर वो एनर्जी कम चेंज करता है तो जो फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन आया और एक मेटल से टकरा के उधर ही रुक गया तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, अब वो जो फोटोन इमिट करेगा एक्सरे का उसकी एनर्जी हाइएस्ट होगी। लेकिन अगर वो आगे किसी मेटल पर से टकराता है और डीसेलेरेट होता है आस्ता आस्ता मेटल में पेनेट्रेट भी कर रहा होता है तो जितना वो रुकता जाएगा मेटल में उतनी टुकड़ों में एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि वो टुकड़ों में कर कर के टुकड़ों में देता रहता है, मुसलसल देता रहता है एनर्जी, एक गम भी जैसे तो मुसलसल देता रहता है, तो ज्यादातर वो मुसलसल देता रहता है आस्ता आस्ता डीसेलेरेट होता है ना, इसको हमने कंटिन्यूस कहा था। ये डिस्क्रीट क्यों है कि ये एक साथ एक ही फोटोन आपको मिलेगा, उस फोटोन की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी वो फिक्स है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट। तो मेरा ख्याल है तमाम बातें समझ में आ गई होगी, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अच्छा, हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों बड़े आसान किस्म की डेफिनेशन है। देखिए मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है उसके बाद हाइड्रोजन की शेल है, एनर्जी लेवल है, हमें वैसे तो पता है एक शेल है लेकिन अब हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड ऑर्बिट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन भी करता है, जिसकी वजह से हमें लैमन बामर पास्टर ब्रैकेट फंड सीरीज वगैरह पढ़ी। तो ये हमारे पास ये मुख्तलिफ है एनर्जी स्टेट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन तो बारह में नहीं है। लेकिन एक बात जो समझाने वाली वो ये है कि अगर पहले शेल में जैसे के कह रहे हैं के एल एम इस तरीके से चल रहा है, अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो हमारे पास कौन सी स्टेट कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अगर हम इसको इतनी एनर्जी देते हैं कि ये जंप कर किसमें आ जाए, दूसरे में आ जाए, तो जो एनर्जी देकर हम इसको दूसरे में पहुंचाया तो एटम कौन सी स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है यानी पहले शेल में होता है, ग्राउंड हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, पहले शेल में होता है ग्राउंड स्टेट कहलाती है हमारे पास। तो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्राउंड स्टेट उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन है हमारे पास, ठीक है। और जो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू 2, 3, 4 डॉट अभी चलती रहती जो मर्जी वैल्यू हमारे पास। तो वो एनर्जी हम कहते हैं वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाता है।
द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ठीक है, दैट टुक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव एनी स्टेट. तो दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ठीक है, और दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच टुक द एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल. मतलब पहले आसान सी बात ओके. इसी तरीके से हमारे पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास और ये मुख्तलिफ हमारे पास शेल है, उनकी वैल्यू बढ़ते 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 एन इज इक्वल टू इंफिनिटी. जब एन इज इक्वल टू इंफिनिटी पे तो एनर्जी कितनी हो गई थी हमारे पास, जीरो हो गई थी. और एनर्जी जीरो होने का मतलब ये था, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा. ये मेरी बात आपको याद होगी. तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब, आयनाइज का मतलब ये होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का हिस्सा ना रहे, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए तो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है. तो आयन बनाने वाला पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास कहलाता है, आयन बनाने वाला पोटेंशियल. तो हम कहते हैं दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, लव्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इस्तेमाल होगा. That makes an atom into ion. किसी atom को ion में convert करते हैं. या bring an electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity तक ले जाए. या energy को क्या करते हैं, zero करते हैं. Negative energy से क्या करते हैं, zero करते हैं. उस accelerating potential को हम कहते हैं ionization potential. Right? ये हमारे पास कुछ definitions. अच्छा एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं के आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम कितना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो याद रखिएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल है हमारे पास 13.6 वोल्ट्स के अंदर है. और जो हमारे पास इसी तरीके से आयनाइजेशन की एनर्जी है, एनर्जी वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैंने वो पहले बताया था एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो हाइड्रोजन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 13.6 वोल्ट्स में. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कहते हैं लेजर. लेजर बेसिकली एक एक्रोनियम है, इसका मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय accumulated emission of radiation. तो ये है हमारे पास LASER, ये हमारे पास बन गया लेजर ठीक है. लेजर का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बहुत आराम समझ लेते हैं. वो क्या है हमारे पास, जो प्रिंसिपल है हमारे पास, तीन हमारे पास स्टेप्स है. पहले को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंड्यूस, या इसको हम कह सकते हैं स्टिम्युलेटिव एब्जॉर्प्शन. दूसरे को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरे को हम कहते हैं इंड्यूस या स्टिम्युलेटेड इमिशन. ये जो तीसरा स्टेप है जिसको मैंने लिखा है इंड्यूस या स्टिम्युलेटेड इमिशन, ये स्टिम्युलेटेड इमिशन इसके नाम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है. देखें स्टिम्युलेटेड इमिशन, तो स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है ये बड़ी अहम बात है समझने. मैं ये सारे स्टेप्स आपको अलग अलग समझाता हूं. यह है देखिए कुछ इस किस्म की बात है कि ये मेरे पास है एनर्जी स्टेट फर्स्ट कर लेते हैं टू है और ये मेरे पास एनर्जी स्टेट वन है. तो जो एनर्जी स्टेट वन है उसको हम कौन सी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट. ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास कौन सी स्टेट है जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. अच्छा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है. अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में कौन जाता है, पूरा एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है.
हो सकता है कि जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इंटरचेंजेबली वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर मैं आपको बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ कि एटम आप एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है। तो आप इससे अपने आप को ये कंफ्यूज नहीं मत कर लीजिएगा कि जी कभी तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में ले जा रहे हैं, जो कभी एटम को एक्साइटेड में ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा है, उसी एटम की ही ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो पूरा एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है और ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहते, ये बिल्कुल खुश है अपनी जगह पे। लेकिन मुझे कोई तकलीफ है, मैं कहता हूं नहीं भाई, मैंने तुम्हें एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। अब कैसे भेजना है, जैसे बात इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E1 है, तो मैंने इन दोनों के डिफरेंस के बराबर यानी E2 - E1 के बराबर एनर्जी दी। जब ये मैं एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी मैं दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर कौन सी स्टेट के अंदर चले जाएंगे, जंप लगाकर एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी मैं खुद दे रहा हूं, ये एनर्जी मैं दे रहा हूं। तो मैंने इनको मजबूर कर दिया, मैंने इनको स्टिमुलेट कर दिया, मैंने इनको इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस समझते ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको आज बहुत खुश हूं, तो मेरे खुशी को देखते हुए आप भी खुश हो जाए, तो मेरी खुशी आप में क्या होगी, इंड्यूस होगी। या होता है कोई बंदा परेशान आता है तो उसको देख के सब परेशान हो जाते हैं, तो उसकी परेशानी सब में क्या होगी, इंड्यूस होगी। इसको इंड्यूस कर इंडक्शन हमारे पास कहलाता है। तो स्टिमुलेट का मतलब भी आप समझते हैं बायोलॉजी वाले बड़े अच्छे तरीके से, कुछ इस किसी प्रोसेस के ऊपर उसको ले आना कि वो करे उस प्रोसेस को स्टिमुलेट। तो हमने ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने स्टिमुलेट किया, इंड्यूस किया कि तुम जाओ एक्साइटेड स्टेट में। इसे कहते हैं इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। मेरा ख्याल समझ में आ गया, मजबूर कर दिया कि लो और जाओ एब्जॉर्ब करो उस एनर्जी को। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है कि जनाब ये हमारे पास E2 एक्साइटेड स्टेट है और ये E1 मेरे पास ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट के अंदर मौजूद है हमारे पास कुछ वक्त गुजारने के बाद। अब ये कुछ वक्त क्या होता है, याद रखिएगा हर स्टेट का एक लाइफ टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं अगर उनको रहने दिया जाए। ये बड़ी बहुत है, अगर रहने दिया जाए तो हर स्टेट का एक हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम होता है कि उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में रहेगा। ये बात समझ आ रही है। तो वो टाइम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप लगाते हैं और वापस कौन सी स्टेट पर आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। अब हायर से लोअर में आ गए तो एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, राइट। तो जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी वापस क्या करती, रेडिएट करती, और कहां पे आ गए, ग्राउंड स्टेट में। खुद ही आया, मैं लेकर आया हूं, खुद आए ना अपने टाइम के बाद, अपने लाइफ टाइम के बाद खुद पहुंच गए। तो दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस कहते हैं गैर अख्तियारी को, हमारे अख्तियार में नहीं है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है, गैर अख्तियारी है, टाइम गुजरेगा वो ये काम कर बैठेंगे। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इमिशन। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई। अब यह सबसे अहम प्रोसेस जिसे हम कहते हैं इंड्यूस या स्टिमुलेटेड इमिशन आने से कहते हैं। तो इंड्यूस या स्टिमुलेटेड इमिशन जो इसकी डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, ये बेसिकली प्रोसेस बताया था आइंस्टाइन। इसको जरा समझ लो, ये क्या हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है E2 और ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है E1। एक्साइटेड स्टेट के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और इस स्टेट का एक लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। अभी वो लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ, अगर ये लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 से E1 में नहीं आएंगे। लेकिन मैं इनको जबरदस्ती यहां से यहां पर लाना चाहता हूं, इंड्यूस करना चाहता हूं, स्टिमुलेट करना चाहता हूं कि ये इमिशन करें और नीचे आए, मैं चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दोबारा से दूंगा। ये अच्छी तरीके से सुन लो, इस दफा हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उस ग्राउंड स्टेट में मेरे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर डेल्टा ई which is E2 minus E1 के बराबर एनर्जी मैं इनको दे रहा हूं। तो जैसे मैं ये एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेने के लिए वापस जंप लगा के नीचे आ जाएंगे, और जब ये जंप लगा के नीचे आएंगे तो ये भी क्या करेंगे,
ये भी डेल्टा ई जो कि ई टू माइनस ई वन के बराबर है, एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी ये सारी आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइन हो, और ये कंबाइन होगी तो एक बीम की सूरत में हम इनको बना लेते हैं खुद ही, तो जब ये बीम की सूरत में जाते हैं उसको हम कहते हैं लेजर। लेकिन आपने समझ में आया स्टिमुलेटेड या इंड्यूस एमिशन क्या है, अगर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स ऑक्यूपाइड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एंड यू वांट टू ब्रिंग देम टू द ग्राउंड स्टेट, सो यू हैव टू गिव देम एनर्जी एंड दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट। तो उनको उस एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी हमें दी जा रही है, तो क्योंकि वो इस एनर्जी को लेने के लिए मतलब वो चाहते हैं कि हम ये एनर्जी लें, तो वो जम लगा के नीचे आएंगे। इस टाइम से पहले ये प्रोसेस करवा दिया मैंने, तो चूंकि मैंने उनको मजबूर कर दिया जम लगा के नीचे आए इस एनर्जी के लिए, अब वो जम लगा के जब वो नीचे आ रहे हैं तो वो खुद भी एनर्जी ले लिए। तो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। मेरा ख्याल है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं। अब ये सब प्रोसेस को मिलाकर हम एक साथ लेजर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जरा देख लो ये क्या है। देखिए ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट जिसको मैं कह रहा हूँ ई वन है मेरे पास, फिर ये मेरे पास एक एक्साइटेड स्टेट है जिसे मैं कह रहा हूँ ई टू है, उसके बाद ये अगली एक्साइटेड स्टेट है जिसे मैं कह रहा हूँ ई थ्री है। आप देख सकते हैं मैंने ई वन और ई टू के दरमियान गैप ज्यादा बनाया और ई टू और ई थ्री के दरमियान गैप कम बनाया, कम बनाया हुआ है, जो कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जो ऊपर जाते हैं तो गैप्स कम होंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। मैंने क्या किया, डेल्टा ई जो के बराबर है ई थ्री माइनस ई वन, और से देखें ई थ्री लिखा ई थ्री माइनस ई वन, यानी इसके और इसके दरमियान सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी मैं दे रहा हूं। तो जब ये एनर्जी मैंने दी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गए जनाब, यानी ई थ्री के अंदर पहुंच गए। ये बात समझ में आ रही है, इस तरह ये जंप लगा कहां पहुंच गए, ई थ्री में पहुंच गए। तो ये जो यहां से जंप लगा के ई थ्री में गए, ये खुद गया, मैं लेकर गया हूं, मैं लेकर गया हूं। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इस स्टेट का एक लाइफ टाइम है, इसका जो लाइफ टाइम है वो तकरीबन एक्सपोनेंट माइनस एक सेकेंड के बराबर है। तो आफ्टर एक्सपोनेंट माइनस एट सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से जंप लगाकर कहां पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर ई टू में आ जाएंगे। तो ई थ्री से ई टू में खुद आए ना, मैं तो नहीं लाया, दिस इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन, राइट। अब ई टू का जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट माइनस थ्री सेकेंड है हमारे पास। तो एक्सपोनेंट माइनस थ्री सेकेंड का मतलब है अब माइनस एट ज्यादा है माइनस थ्री ज्यादा है, माइनस ख्याल करना, तो आप बोलेंगे माइनस थ्री ज्यादा है कि ये मिली सेकेंड है और ये तो माइक्रो और नैनो के बीच में कहीं पर है। तो ये जो है हमारे पास ये तकरीबन नैनो सेकेंड तक ले जाओ, माइनस नाइन कर लो तो पॉइंट जीरो वन करके पॉइंट जीरो वन नैनो सेकेंड, तो ये नैनो सेकेंड पे जा रहा है, ये मिली सेकेंड पे जा रहा है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रहेंगे, ये बात समझ आ रही है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की जो टाइम है वो बहुत कम है। तो ऐसे समझ लो कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन एक मिनट रह रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक घंटे तक रह सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ई थ्री से ई टू में जल्दी आ सकते हैं और ई टू में काफी देर रह सकते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन जो कि जंप करके कहां गए, ई वन से ई थ्री में गए, वो जंप लगाकर कहां पर आ चुके हैं, ई टू में आ चुके हैं, सही है। जिससे जंप लगाकर कहां पर आ गए, ई टू में आ गए, ये कुछ देर में ई थ्री में गया और जंप लगाकर वहां से वापस किसमें आ गया, ई टू के अंदर आ गया। तो ई टू के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है, इस बड़ी तादाद के जमा होने को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या मतलब है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब यह है कि एक्साइटेड स्टेट ज्यादा ऑक्यूपाइड है और ग्राउंड स्टेट कम ऑक्यूपाइड है। ग्राउंड स्टेट में कम है इलेक्ट्रॉन या ना होने के बराबर है और एक्साइटेड में ज्यादा हो गया। आमतौर पर इसका उल्टा नहीं होता, आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ज्यादा होते हैं, एक्साइटेड में बहुत कम होते हैं। अब मामला कुछ तो उल्टा चला गया, एक्साइटेड में ज्यादा हो गए ग्राउंड में कम हो गए, इस चीज को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेरा ख्याल समझ में आ रही है, चूंकि ये स्टेट बहुत ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकती है तो इस स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट।
मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है, बियॉन्ड स्टेबिलिटी मेटास्टेबल, बियॉन्ड स्टेबिलिटी। मेटास्टेबल का मतलब होता है जिसकी जो लाइफ टाइम है वो ग्रेटर देन एक्सपोनेंट माइनस एट होता है, माइनस एट सेकेंड से ज्यादा का टाइम, देखिए ना माइनस थ्री का मतलब है माइनस एट से ज्यादा, तो ये मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन की बड़ी ज्यादा ई टू के ऊपर जमा है, टाइम का इंतजार कर रही है, जिस टाइम के बाद ये सारे यहां से जंप लगाकर यहां से यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, यहां से जंप लगाकर यहां से यहां पर आ जाएंगे। लेकिन मैं उस टाइम का इंतजार नहीं कर रहा, मैंने क्या किया ई टू माइनस ई वन, मैंने क्या किया डेल्टा ई जो के बराबर है ई टू माइनस ई वन, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी मैंने दी। अब जब ये एनर्जी मैंने दी तो आपको पता क्या होगा, अभी जब लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ मैं एनर्जी दे रहा हूं दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो ये सारे एक साथ जंप लगाकर कहां पर आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और रेडिएशन क्या करना शुरू कर देंगे, इमिट करना शुरू कर देंगे। ये जो रेडिएशन इमिट करेंगे वो एग्जैक्टली वही होगी जो एनर्जी मैं दे रहा हूं, तो ये सारी एनर्जी कंबाइन होकर इसको एक बीम की सूरत में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कहलाती है लेजर। तो चूंकि ये सारी एनर्जी एक ही है, तो इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं कोहेरेंस। तो ये जो जितनी भी हमारे पास एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, कोहेरेंट होती है, और कोहेरेंट वो चीज है जो कि हमें लाइट का इंटरफेरेंस कराने के लिए रिक्वायर्ड है। जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइट का इंटरफेरेंस ना होने की वजह ये थी उसकी कि हमारे पास जो लाइट थी वो हमारे पास कोहेरेंट नहीं थी। सही है, दो शरायत है जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस की। तो लेजर जो चीज है, एक ऐसी डेवलपमेंट की है जो कि कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि इनकी सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर वन। नंबर टू, इनकी जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, या उनके दरमियान डिफरेंस है, या तो वो नहीं है या वो बिल्कुल सेम है। तो मैंने जो सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया उससे जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। तो लेजर जो है वो मोनोक्रोमैटिक भी होती है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब समझते हैं एक रंग की, एक रंग का मतलब उसको आप प्रिज्म से गुजारो तो वो वही रंग रहेगा, मजीद नहीं रंगों में डिवाइड होगी। जैसे सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारो ना तो वो मुख्तलिफ रंगों में निकल आती है, उसका मतलब सूरज की रोशनी जो है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। तो लेजर को आप प्रिज्म से गुजारो वो अगर रेड है तो रेड रहेगी, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी। ये बात समझ आ रही है? तो ये मतलब है मोनोक्रोमैटिक का। तो मोनोक्रोमैटिक होती है नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक, नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक कोहेरेंट होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेजर की। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू जापानीज राइटर, उन्होंने अपनी फिजिक्स की किताब में ये लिखा हुआ है कि इसकी जो इंटेंसिटी है लेजर की वो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा इंटेंसिटी है। बाय द वे इंटेंसिटी को मेजर करने का जो हमारा फिजिक्स का तरीका, मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात नहीं कर रहा कि आप बोलेंगे हमें सूरज देखने में ज्यादा तेज लाइट नजर आ रही है, लेजर की इससे भी ज्यादा तेज इंटेंसिटी है। हाईली डायरेक्शनल है, हाईली डायरेक्शनल, इतनी डायरेक्शनल है कि हम लोग मुख्तलिफ जो मिशन स्पेस में भेजे गए हैं, जिन्होंने चांद पर जाकर कुछ चीजें डिप्लॉय भी की है, उन्होंने चांद पर जाकर कुछ मिरर रखे हैं, हम जमीन से लाइट उस मिरर पे मारते हैं, उस मिरर से टकरा के वो लाइट वापस आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर करती है, स्पीड की, पोजीशन की, अबाउट द मून, मेरी बात समझ लो। तो वो जो लेजर लाइट है वो जाते वक्त जो उसकी बीम की विड्थ होती है, आते वक्त भी वही होती है, तो हाईली डायरेक्शनल, जबकि टॉर्च ऑन करो तो कैसे फैल जाती है, ठीक है ना आपने। तो जो लेजर लाइट है वो हाईली डायरेक्शनल हमारे पास होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लेजर की। लेजर के बहुत सारे यूजेस हैं, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मेटल्स को काटने में इस्तेमाल होता है, हमारी जो आई का रेटिना है उस रेटिना की वेल्डिंग के लिए उसको बाजू पर निकल जाता है, या कुछ कोई मसला होता है रेटिना का तो रेटिना को फिक्स करने के लिए उसकी वेल्डिंग के लिए भी लेजर इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं होलोग्राफी। दिखाता हूं, देखिए मुख्तलिफ साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर आपने इस तरीके से देखा होगा कि कहीं से एक लाइट आती है और एक ऑब्जेक्ट डिवेलप हो जाता है, तो ये जिस तरह ऑब्जेक्ट डिवेलप हुआ है इसे हम कहते हैं होलोग्राफी। या आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये किस तरीके से ये लेजर की मदद से बनाया गया है, दिस इज नोन एज होलोग्राफी। इसको होलोग्राफी या होलोग्राम्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो इसको नजर आ रहे हैं, ये कैसे नजर आ रहे हैं, होलोग्राफी है।
दिस इज अगेन होलोग्राफी। तो मेरा ख्याल है होलोग्राफी आपके समझ में आ रहा होगा कि ये होलोग्राफी है। थ्री डायमेंशनल इमेजेस हम इससे ले सकते हैं, थ्री डायमेंशनल इमेजेस, यानी हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट भी देख सकते हैं, ठीक है। जो आयरन मैन मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा कि टोनी स्टार्क कर रहा होता है, ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारा होलोग्राफी हमारे पास क्या लगा है। ये मैं आपसे बात कर रहा था आई वाली के लेजर बीम जो है वो रीशेपिंग द कॉर्निया ड्यूरिंग लैसिक प्रोसीजर, तो कोई मेडिकल प्रोसीजर है उसके जरिए। अच्छा ये जो मेरा ख्याल है आप डॉक्टर लोग ज्यादा बेहतर समझते हो ये क्या है, तो बहरहाल आई के मुख्तलिफ सर्जरीज के अंदर भी लेजर इस्तेमाल होती है, किडनी के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने इसके लिए दिखाया हुआ है, राइट। ये देखेंगे फौजियों के पास जो गन है उससे जो लाइट निकल रही है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ये लेजर लाइट हमारे पास डायरेक्शनैलिटी के लिए। ये देख सकते हैं इंडस्ट्री में मेटल की कटिंग के लिए, देख रहे हैं मेटल को काटने के लिए भी क्या इस्तेमाल हो रही है, लेजर इस्तेमाल हो रही है। ये मैं आपसे बात कर रहा था कि ये हमारी जमीन के ऊपर ऑब्जर्वेटरी है, ये जमीन के ऊपर है ऑब्जर्वेटरी जिससे हम स्पेस में चीजें देख रहे हैं। स्पेस में हमने अपनी जो भी सैटेलाइट भेजी होती है तो उन सैटेलाइट के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो लेजर के थ्रू भी होती है, और यही प्रोसीजर चांद के ऊपर भी है, प्रकार काफी है। फाइबर ऑप्टिक में लेजर इस्तेमाल होती है, तो याद रखिएगा लेजर के जो हमारे पास यूजेस हैं उन यूजेस में हमारे पास क्या है कि हम होलोग्राफी हमारे पास तो मैंने आपको दिखा दिया, और आई के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डिटैच रेटिना होता है उसकी मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ लेंथ को मेजर करने के लिए जिसमें मैंने बताया कि मून का डिस्टेंस उसकी स्पीड वगैरह फॉलो करने के लिए मुख्तलिफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है वो उसको उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी जगह पर डेप्थ को हाइट को डिटेक्ट करने के लिए लेजर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्टर है हमारे पास, फ्यूजन रिएक्टर उसके अंदर ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, याद रखिएगा। जो फ्यूजन रिएक्टर है एक होता है फिजन एक होता है फ्यूजन, तो फ्यूजन रिएक्टर में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है लेजर। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए लेजर के, एमसीक्यू में नजर आते रहते हैं, बार पूछ लेते हैं। अच्छा एक चीज मुझे और याद आ गई और वो है रूबी लेजर, रूबी लेजर। अब रूबी लेजर क्या होती है, रूबी लेजर ये होता है कि एक मटीरियल है Al2O3, ये एक हमारे पास मटीरियल है, इसमें कुछ एल्यूमिनियम को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं Cr+3 से, Cr+3 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो Al2O3 इस पूरे मटेरियल में कुछ चंद एल्यूमिनियम्स को अगर Cr+3 से रिप्लेस कर दिया जाए तो अब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं रूबी, ठीक है। ये वो क्रिस्टल बन जाता है, किसका क्रिस्टल बनता है, रूबी का। और रूबी के क्रिस्टल कौन सी स्टेट पर है, E1 के ऊपर है, उसको आप लेकर चलेगा E3 पे, फिर E3 से E2 पे आया, फिर E2 से आपको देख रहा है E1 में जो लाइट इमिट हुई वो लेजर, हमारे साथ सारे प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो फिर कौन सी लेजर कहलाती है, रूबी लेजर। याद आ गया मेरा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हुआ, अब हम बात करें चैप्टर नंबर 19 की, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करा कि बाकी क्वेश्चन ढूंढूंगा फिर बहुत टाइम लग जाएगा, अब मैं उस लेवल पर हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बस एक चैप्टर हो रहा है, 20 चैप्टर में तो ऐसी खास बात है नहीं, तो उसके बाद पूरी जो सेकंड ईयर फिजिक्स है उसके एक साथ जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं।